चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का। आम्रपाली बिल्डर के दफ्तर पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। कल शाम 4 बजे से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम आम्रपाली बिल्डर के नोएडा सेक्टर 62 स्थित दफ्तर पर मौजूद है। लगातार कागजात खंगाले जा रहे हैं। अमित चौधरी हमारे साथ है। अमित, क्या कुछ निकल कर आया है इस रेड में? देखिए श्वेता, कल शाम 4 बजे के आसपास यहाँ पर 2 दर्जन के आसपास जो इनकम टैक्स अधिकारी हैं वो आम्रपाली के दफ्तर पर पहुंचे थे सेक्टर 62 में, और इसके साथ साथ कई और जो ठिकाने हैं बिल्डर के वहां पर भी छापेमारी की जाने की सूचना आ रही है। और कल रात से अभी तक छापेमारी लगातार जारी है। जो सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक बिल्डर पर इस जो इनकम टैक्स है उन अधिकारियों को इस चीज का शक था कि ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए जो फ्लैट है उन फ्लैटों को पुरानी बुकिंग दिखाकर बेचने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। उसी इस बिल्डर के दफ्तर में काफी पैसा होने की भी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स विभाग को मिली थी। इस तरीके की जानकारी जो सूत्र है वो बता रहे हैं। अभी इतनी लंबी छापेमारी चलने के पीछे ये चीज भी मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं कई ऐसी चीज इनकम टैक्स विभाग को जरूर यहाँ पर मिली होंगी कि छापेमारी का समय इतना हो गया है। अभी तक कितनी देर तक हो रही है छापेमारी चलेगी और क्या क्या बरामद की हुई है ये तो भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन एहतियातन पुलिस को जरूर लगा दिया गया है। बिल्डर के दफ्तर के दोनों आगे और पीछे वाले गेट पर पुलिस भी मौजूद है यहाँ पर। तो माना जा रहा है कि जैसे ही छापेमारी खत्म होगी तो उसके बाद चीजों का पता चल पाएगा कि आखिर किस तरीके की खामियां बिल्डर द्वारा यहाँ पर की जा रही थी। जी चलिए अमित, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सिर्फ बिल्डर के यहाँ ही छापेमारी नहीं हो रही है बल्कि ब्लैक मनी के खिलाफ दूसरे संदिग्ध जगहों पर भी आयकर विभाग की नजर है। बड़ी बात यह है कि बड़ी मात्रा में कैश और सोना बरामद हो रहा है। काले धन के खिलाफ एक्शन में सरकार। काले धन के कुबेरों में मचा हाहाकार। ब्लैक मनी पर नॉन स्टॉप एक्शन। 8 नवंबर को नोटबंदी के फैसले के बाद देश भर में काले धन के कुबेर सरकार के रडार पर हैं। यही वजह है कि काले धन और करप्शन के खिलाफ सरकार का नॉन स्टॉप एक्शन जारी है। हर रोज ब्लैक मनी के खिलाफ कड़ा शिकंजा कसता जा रहा है, लिहाजा हर रोज काला धन रखने वालों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। काले धन के कुबेरों के खिलाफ जहां देश भर में छापेमारी जारी है, वहीं देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स की सुरक्षा में तैनात CISF ने 10 नवंबर से अब तक 4.5 करोड़ रुपए कैश और तकरीबन 16 किलो सोना तलाशी के दौरान जब्त किया है। आठ नवंबर के बाद सरकार ने ब्लैक मनी और करप्शन के खिलाफ डबल एक्शन लिया है। जहां देश भर में काले धन के खिलाफ छापेमारी चल रही है, वहीं रियल स्टेट के कई बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड डाली जा रही है। आयकर विभाग ने तुलसियानी ग्रुप के 24 ठिकानों पर छापेमारी की है। लखनऊ में 10, दिल्ली में 7, इलाहाबाद में 6 और मेरठ में 1 जगह छापेमारी की गई है। 100 से ज्यादा इनकम टैक्स के अफसरों की टीम जांच में जुटी है। आयकर विभाग ने कई लॉकरों को भी सील किया है। छापेमारी में बोगस शेयर और कई बेनामी कंपनियों का खुलासा हुआ है। अनिल कुमार तुलसियानी के घर और ऑफिस में छापेमारी हुई है। दोनों भाई महेश और नरेश तुलसियानी के ठिकाने पर छापे पड़े हैं। हम तुलसियानी के लखनऊ स्थित ऑफिस पर हैं। तकरीबन 10 से 12 अफसरों की टीम इस वक्त इस दरवाजे के भीतर तुलसियानी के अधिकारियों से पदाधिकारियों से बातचीत कर रही, उनसे पूछताछ की जा रही है। इलाहाबाद और मेरठ में भी कई जगहों पर रेड्स की गई हैं। इलाहाबाद ही इस ग्रुप का हेडक्वार्टर है।